पूरे प्रदेश में जैसा हम बार बार कहते हैं मनोहर कहानियां सुनाई जा रही हैं, चारों तरफ बोर्ड पे लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने 18,000 नौकरियां दे दी डी वर्ग के अंदर, बड़ी ईमानदारी से दे दी। और पूरे प्रदेश में कहा जा रहा है कि रोजगार के सवाल पे ये सरकार अब चुनाव जीतने जा रही है। मैं चाहता हूं आपके सामने इसकी सच्चाई रखी जाए, और इस सच्चाई को मैं सरकारी आंकड़े और जो गैर सरकारी आंकड़े हैं लेकिन जो विश्वसनीय आंकड़े हैं उनकी मदद से आपको रखना चाहता हूं। पहला तथ्य जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पता नहीं क्यों हमारे हरियाणा के सार्वजनिक जीवन में इस पे कम चर्चा हुई है, कि इस देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। आंकड़ा मेरा नहीं है, आरोप नहीं है, कोई लफाजी नहीं है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के सबसे विश्वसनीय आंकड़े आते हैं इस रिपोर्ट से, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस रिपोर्ट से हर 4 महीने के बाद, साल में 3 बार इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े रिलीज होते हैं। ये इसकी नवीनतम रिपोर्ट है जो जनवरी से अप्रैल 2019 के आंकड़े हैं। उसके बाद वाली रिपोर्ट अभी शायद 1.5-2 महीने में रिलीज होगी, तो अभी तक नवीनतम रिपोर्ट ये है। ये रिपोर्ट क्या बताती है, और ये सारे आंकड़े आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं, इसकी टेबल भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि ये ना लगे कि कोई हवाबाजी हम करके चले गए। यहाँ पे हरियाणा के सार्वजनिक जीवन में ये भी चीजें चलती हैं, कुछ भी बोल के चले गए, वो नहीं, एक एक चीज का आंकड़ा प्रमाण हम आपके सामने रख रहे हैं। अप्रैल 2019 तक पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट थी 6.9%, 7% से थोड़ी सी कम, बहुत ज्यादा थी, भयावह थी, ऑल इंडिया लेवल था, पूरे देश में बड़ी बहस हुई थी, 6.9% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, क्या होगा देश का, इस सब पे बड़ी बहस हुई थी। हरियाणा में कितनी थी, हरियाणा में 20.5% थी अनएम्प्लॉयमेंट उस समय, यानी कि ऑल इंडिया एवरेज से अंदाजन 3 गुना ज्यादा हरियाणा में है, कोई चर्चा नहीं। और ऊपर से सरकार बैंड बाजा बजा रही है कि वाह 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 अनएम्प्लॉयमेंट पे कितना अच्छा काम हमने किया है। जिस सरकार के राज में देश की एवरेज से 3 गुना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है, वो कह रही है कि हमने तो कमाल का काम कर दिया रोजगार के ऊपर। पूरे देश में हरियाणा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक छोटे से राज्य में है, त्रिपुरा में। इसलिए मैं कह रहा हूं हरियाणा नंबर 1, मेजर स्टेट्स में देखें तो, टेक्निकली देखें तो नंबर 2 पे है। सवाल सिर्फ अप्रैल 2019 का नहीं है, ये CMIE हर हफ्ते रिपोर्ट को अपडेट करती रहती है, तो आज आप इसकी वेबसाइट पे जाके आज सुबह का लॉगिन करके देख लीजिए, आज सुबह भी बड़े राज्यों में हरियाणा नंबर 1 पे चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट पे। कोई स्थिति बदली नहीं है, किसी एक महीने का विशेष अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा नहीं था। और अगर आप कहें कि नहीं नहीं ये तो अनऑफिशियल रिपोर्ट है, वैसे देश की सबसे क्रेडिबल रिपोर्ट है, दुनिया देश में इसी आंकड़े को हर जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको ऑफिशियल रिपोर्ट चाहिए जो 1 साल पुरानी है, ये NSSO का डेटा जिसके बारे में बहुत बहस हुई थी कि सरकार छुपा रही थी, फिर वो लीक हो गई, फिर बाहर आ गई रिपोर्ट, वो 1 साल पुरानी है, उसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, अलग तरीके से मेजर करती है, लेकिन वो रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो ऑल इंडिया लेवल था अनएम्प्लॉयमेंट का, उससे लगभग दुगनी अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में थी। ये NSSO का सरकारी डेटा है, उसके अंदर क्या स्थिति है, हरियाणा में टोटल अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं? CMIE का अनुमान है कि हरियाणा में 19 लाख अनएम्प्लॉयड लोग हैं, और अनएम्प्लॉयड का मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत क्लियर होता है, क्योंकि कई बार नेता और अधिकारी लोग कहते हैं नहीं नहीं जी, इन्हें पता नहीं, गिनना नहीं आता जी, कोई घर पे बैठा है उसको भी मान लेते हैं, कुछ लोग काम करना नहीं चाहते, ऐसा कुछ नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा ये है, सर्वे होता है, घर में जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप काम करने के इच्छुक हैं, और दूसरा क्या आपने काम ढूंढने की कोशिश की है। सिर्फ जो इच्छुक हैं और ढूंढने की कोशिश की है उसमें से गिना जाता है कि उसमें से कितने अनएम्प्लॉयड हैं।
लोग 10-10, 20-20 साल इसके ऊपर काम करते हैं, उन लोगों ने ये किया, तो ये कोई हल्की डेफिनेशन नहीं है। इसके हिसाब से हरियाणा में 19 लाख लोग ऐसे हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, काम ढूंढ रहे हैं, जिनको काम मिल नहीं रहा।